हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स के बारे में। पहला भैया दमदार खिलाड़ी है इस रेस का, वो है मुथूट फाइनेंस, और दूसरा भैया बहुत ही छोटा सा शेयर है लेकिन इसका जो बैकबोन है वो बहुत बड़ा है, एलएनटी का शेयर है, एलएनटी फाइनेंस है। ये 1.75 का शेयर है और एक भैया 1440 का शेयर है। दोनों में ही आज ज़बरदस्त पिटाई हुई है और ये दो और ये पिटाई अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से चली आ रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया कितनी गिरावट है और मौके कहाँ पर बन सकते हैं और क्या करना चाहिए, खरीदारी करके रखी है तो देखिए वीडियो को शुरू करो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम भैया दिग्गज शेयर के साथ, मुथूट फाइनेंस। और डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शेयर लॉन्ग टर्म का शेयर है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने जाओगे तो फंस जाओगे। यहाँ पर एक महीने में 5.5 से 6% की गिरावट है, 1700 रुपये तक चला गया था ये शेयर, 1700 रुपये तक, और अभी ऐसी पिटाई हो रही है, ये हर रोज टूट रहा है, हर रोज। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि यहाँ पर तेजी आई हो, पिछले 2 हफ्तों में हर रोज इसकी पिटाई हो रही है और ये टूट के बिखर रहा है। लेकिन अगर 1 साल का ग्राफ देखेंगे तो सिचुएशन उतनी खराब यहाँ पर नजर नहीं आएगी, 27% का ग्रोथ है। और देखिए जब भी इससे पहले भी अगर देखें तो इस तरीके की हमें गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए जब ये शेयर तकरीबन 1600 रुपये था तो इसी तरीके की पिटाई हुई थी इसकी और 1400 रुपये तक शेयर चला गया था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया। इससे पहले भी ऐसी पिटाई हो चुकी है इसकी, लेकिन जब भी टूटा है उससे ज़्यादा दुगनी रफ्तार से इसने तेज़ी भी दिखाई है। मुथूट फाइनेंस को लेकर पिछले साल एक चर्चा भी चल रही थी कि भैया स्प्लिट हो सकता है, 1 का 10 बन सकता है ये, हालांकि बाद में मैनेजमेंट ने इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया। और अभी भी अगर हम देखें तो आने वाले वक्त में शायद मुथूट फाइनेंस में स्प्लिट का ऑप्शन अभी भी खुला हो सकता है। देखिए लॉन्ग टर्म में पैसा ऐसे शेयर्स में बनता है, ठीक है, और जब भी इस तरीके का पेन हमें देखने को मिलता है, गिरावट वाला जो पेन देखने को मिलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मौके होते हैं। 10 साल में 760% का ग्रोथ, 75 रुपये का शेयर अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है। ये 75 रुपये तक का लो भी इसने बना दिया था, 2013 में ये लो बना था, उसके बाद इसने मुड़ के नहीं देखा है। जब भी टूटा है, देखिए टूटा है बीच बीच में, लेकिन उससे ज़्यादा की बड़ी रफ्तार है। और जिस तरीके का बिजनेस ये कंपनी करती है, देखो भैया गोल्ड लोन का बिजनेस है इनका भाई साहब, और यहाँ पर मंदी नहीं आने वाली है। लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम्स देखें तो 9 लाख के आसपास ही है, बहुत ही कम वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 73.37% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.16% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, हल्की सी बिकवाली दोनों ने करी है, जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने खरीदारी करी है। यहाँ पर 7.13% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.50% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा खासा डिविडेंड भी इसने पे किया है, 20 रुपये तक का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है इसी साल अप्रैल महीने में, तो अच्छा डिविडेंड भी पे करता है मुथूट फाइनेंस। इसके अलावा देखें तो अभी भैया ज़्यादातर लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 57%, लेकिन मैं इनसे अग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि कंपनी में दमखम है, शॉर्ट टर्म का पेन ज़रूर है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो बेचना तो नहीं चाहिए, बल्कि नीचे के लेवल पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। आप देखिए अभी 8 नवंबर को ही इसी महीने मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी करने की सलाह थी, 1900 का टारगेट था, तो बड़े बड़े टारगेट अभी भी इनके देखने को हमें मिल रहे हैं। पहली चीज़ मुथूट फाइनेंस के बारे में देखें तो भैया शेयर सस्ता है, 15 का इसका पीई रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 21 का है। 78% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ ग्रीन में है, कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है इंस्ट्रिक वैल्यू से, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, खरीदारी का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, सब कुछ बेहतरीन है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बेहतरीन है। देखो ऐसे शेयर जब भी टूटते हैं खरीदारी के मौके होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा क्वांटिटी है ही नहीं, 2.5% की होल्डिंग है इनके पास रिटेल, और रिटेल वालों के पास, बाकी सब के सब भैया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दबाकर बैठे हुए हैं।
तो मैं यही कहूंगा, देखो पैनिक पहली चीज तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे शेयर में जब भी गिरावट हो, नीचे के लेवल पर ऐड करते जाओ, जोड़ते चले जाओ इसको। तो मुथूट फाइनेंस खरीदारी करी है, बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का ये शेयर है, लेकिन यहाँ से जितना टूटेगा उतने खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पर। दूसरा है एलएनटी फाइनेंस 75। देखो ये सस्ता शेयर है, काफी लोगों को ये अभी ललचा भी रहा होगा। आज 4% की बड़ी गिरावट आई है, लेकिन पिछले एक महीने में 11% तक टूटा है। 87 रुपीज का था ये शेयर और महीने का लो बना चुका है 75 रुपए का। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एलएनटी फाइनेंस में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 3.5% की गिरावट आ चुकी है। तो भैया एक साल में पैसा नहीं बना है ये, क्या मतलब जिन्होंने एक साल पहले खरीदारी करी थी वो आज लॉस में है थोड़े बहुत, लेकिन बीच बीच में पिरामिड जरूर बनाता है ये। तेजी आई, देखिए 112 तक ये गया था, वापस टूट के नीचे आया, 85 पर आया, वापस ये पहुंचा, वापस टूट के नीचे आया, देखिए 76। इससे पहले भी इसी लेवल से इसने बाउंस बैक दिखाया था, जिस लेवल पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस लेवल को मेंटेन कर लेता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मैनेज नहीं करता है तो अगला सपोर्ट फिर हमको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। और अगला सपोर्ट जो नजर आता है वो नजर आता है भैया 60 रुपए के आसपास नजर आता है। लेकिन हाँ, इतना नीचे नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से, यहाँ से मैनेज हो जाना चाहिए। लेकिन नीचे के लेवल पर खरीदारी के ही मौके होंगे, क्योंकि आप देखिए कोरोना काल में पिछले साल जब इतने खराब माहौल था, मार्केट में इतना पेन था, तब भी ये शेयर सिर्फ 50 रुपए तक ही टूटा था। तो भैया अब तो 50 रुपए तक तो नहीं जाएगा, 60 रुपए तक भी जाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि 65 और 75 के बीच में अब खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए, वहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। मिड कैप शेयर है, 19,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास नजर आते हैं। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं यहाँ पर। प्रमोटर के पास 63.53% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है भैया? एलएनटी है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। एलएनटी लिमिटेड भैया सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर, और उन्हीं के पास इतनी सारी होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8.25% एफआईएस के पास है, 1.84% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.68% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो देखो बड़े बड़े फंड हाउसेस लेकर तो बैठे हैं होल्डिंग यहाँ पर। आप देखने की कोशिश करो तो 9% का डिविडेंड भी आपको पे कर रहा है, मतलब 90 पैसे पर शेयर आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। एलएनटी फाइनेंस की मैं बात करने जाऊँ तो एलएनटी फाइनेंस में सिर्फ 25% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 75% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ईसॉप के थ्रू बड़ी खरीदारी कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा देखने को मिली है, बड़ी क्वांटिटी में 3.5 लाख शेयर भैया। इसके अलावा 1,20,000 शेयर, 1,70,000 शेयर, 65,000 शेयर, 45,000 शेयर ईसॉप के थ्रू। तो बड़ी खरीदारी कंपनी के ही लोगों ने करी हुई है अक्टूबर महीने में, और ये बहुत बड़ी खरीदारी थी यहाँ पर। अब देखिए रेवेन्यू में, हालांकि पिछले 3 सालों से रेवेन्यू में कोई तेजी नहीं है, लेकिन रेवेन्यू मेंटेन है इनके। प्रॉफिट्स अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट हालांकि बहुत बड़ा डिक्लाइनिंग मोड है, 2,232 करोड़ का प्रॉफिट 950 करोड़ पर पहुंच चुका है 2021 में। और जो पहले 2 क्वार्टर के जो प्रॉफिट है वो भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, मुश्किल से 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 800 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो वो अच्छा तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके यहाँ पर भी बनेंगे। इस ये भी सस्ते प्राइस पर अभी अवेलेबल है, 20 का इसका पीई है, जबकि सेक्टर पी 21 का है। 85% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और मेरी भी राय है कि 75 का एक अच्छा स्ट्रांग तगड़ा टारगेट है, तो खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर। लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदना सही नहीं रहेगा, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, और अगर और गिरावट आती है तो 65 पे आप थोड़ी क्वांटिटी को, बाकी की क्वांटिटी आप 65 पे खरीद के चल सकते हो, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है इसके। खरीदारी का सही मौका है अकॉर्डिंग टू टिकट है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, करंट प्राइस कम है इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से, और बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में अभी भी बना है यहाँ पर। तो देखो दोनों ही शेयर्स, चाहे मुथूट हो चाहे एलएनटी हो, डेफिनेटली मुझे पसंद आते हैं। हालांकि एलएनटी, तो अगर मैं एलएनटी की बात करूँ तो मुझे ये 100 के ऊपर पसंद नहीं आएगा, मुझे 75 के नीचे पसंद आता है ये शेयर। और मुथूट भैया मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं यही कहूंगा जब भी गिरे खरीदारी करके आप यहाँ पर चल सकते हो एलएनटी फाइनेंस में, जैसे कि मैंने आपको कहा। हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी आप इस लेवल पर ऐड कर सकते हो, बाकी की क्वांटिटी आप 65 रुपए के लेवल पर अगर जाता है तो, हालांकि चांसेस कम है, जाता है
तो उसके लिए बचा के रखिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट का को कोई भरोसा नहीं है। आज की जो गिरावट थी वो बहुत बड़ी गिरावट है, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जो चेतावनी है उसने कहीं ना कहीं मार्केट का मूड आज के दिन में बिगाड़ा ज़रूर है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुथूट फाइनेंस और L&T फाइनेंस दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।